एसएससी के जो एग्ज़ाम थे यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम थे 2017 के, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हाँ, जिसने 2017 में एसएससी के एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए यह खबर बहुत खास होने वाली है और वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 2017 का मामला था उसको लेकर जो कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, उसको लेकर नया अपडेट क्या आया है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। अगर बात की जाए 2017 एसएससी एग्ज़ाम को लेकर, तो 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को लेकर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजल्ट जारी नहीं किए जाएंगे। तो एग्ज़ाम हुए जो एसएससी के 2017 के एग्ज़ाम थे उसको हुए करीब अब 2 साल बीत चुके हैं। तो इसके बाद इसके अंदर ये अपडेट आई है, यानी कि एक खुशखबरी जिसको कह सकते हैं हम, जिन्होंने एसएससी के एग्ज़ाम दिए उनके लिए खुशखबरी सामने आई है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से स्टे हटा दिया, यानी कि रोक हटा दी है। अब जो एसएससी 2017 के एग्ज़ाम हुए थे उनके रिजल्ट्स जल्द ही जारी किए जा सकते हैं एसएससी की तरफ से। वहीं बात करें इन रिजल्ट्स को लेकर, तो इस रिजल्ट को लेकर एसएससी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, कोई बात सामने नहीं आई है कि रिजल्ट एसएससी कब जारी करेगा। तो वहीं रिजल्ट जारी करने को लेकर एक खबर सामने ये है कि रिजल्ट जो एसएससी है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर करीब 1 महीने के भीतर भीतर कभी भी जारी कर सकता है। तो अब ऐसे में देखना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल बाद इस पे से बैन हटा दिया यानी रिजल्ट की रोक हटा दी है, अब रिजल्ट जारी होगा, तो एसएससी रिजल्ट कब जारी करता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, रिजल्ट को लेकर एसएससी ने कोई भी डेट स्पेसिफिक नहीं बताई है। तो वही रिजल्ट जब भी आए, मैं आपको बता दूं आप रिजल्ट कैसे और कहां चेक करेंगे, तो आप जो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट्स है ssc.nic.in, इस वेबसाइट को ओपन कर जब भी आपका रिजल्ट आएगा वहां पर आपको एसएससी 2017 का रिजल्ट मिल जाएगा। उस रिजल्ट का जब भी, अभी वेबसाइट पर ये लिंक अवेलेबल नहीं है, जब रिजल्ट तैयार हो जाएंगे और अपलोड कर दिए जाएंगे तब ये लिंक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा कि एसएससी 2017 रिजल्ट का। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। इस रिजल्ट को लेकर हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो हम आपके बीच जरूर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।